अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सूजी और खुशखास की खीर। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून लिया देसी घी, 3 टीस्पून लिया शुगर, 1 कप दूध, 1 टीस्पून खुशखास लिया और 3 टीस्पून सूजी। अब हम फ्राइंग पैन में सूजी डालेंगे। फ्राइंग पैन को अच्छी तरह से गर्म करना है, इसमें सूजी डालनी है, इसे गर्म करना है, ठीक है। मतलब जब इसकी खुशबू आना शुरू होगी ना, तब हमने इसमें घी ऐड कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखिए मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से सारा अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये घी मोस्टली हम बच्चों को सर्दियों में देंगे क्योंकि इसमें कुछ खास भी है और ये जब बच्चे को ज़ुकाम होता है तब और खांसी वगैरह में बहुत अच्छी रहती है। मतलब बच्चे को एक बार तो खा के सुकून आ जाता है। इसे हमने इसलिए अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये स्मूथ फॉर्म में रहे। और हमने चीनी ऐड कर दी है 3 चम्मच, इसे भी हम ऐसे मिक्स करेंगे। 1 कप हमारे पास जो दूध था उसमें मैंने 1 चम्मच साफ की हुई खुशखास ऐड किया है। साफ कैसे करते हैं खुशखास को, ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। अब मैंने वो जो दूध है ना, इसको मैंने सूजी में ऐड कर दिया है। ये जो दूध था मैंने इसे 2 घंटे पहले भी धो के रखा था, ठीक है। अब हम इसे पकाएंगे और अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि हमारी स्मूथ फॉर्म में रहे। मुफीद है, इससे बच्चे को सुकून मिलता है, नींद आती है, ज़ुकाम स्पेशली जब ज़ुकाम हुआ ना बच्चों को, तो बच्चे को ये इसी की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से। तो खाने में ज़ुकाम खांसी दोनों के लिए बहुत अच्छी है। खुशखास के तो फ़ायदे ही बहुत हैं, सूजी साथ मिक्स जब हो जाती है तो ये और हेल्दी हो जाता है। अब हम इसे ऐसे साथ साथ हिलाते रहेंगे और इसे जब ये हमारी हो जाएगी ना स्मूथ सी, थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, तो हम इसे सर्व कर देंगे बच्चों को। ये देखिए जहाँ से आपको थोड़ा सा लगे ना कि यहाँ से सही नहीं हो रही, मतलब गुटलियाँ सी बन रही हैं, तो आप ऐसे ऐसे करें चम्मच की मदद से। ये देखें ये थोड़ी सी ठीक हो रही है। जब भी मेरा पैन छोड़ना शुरू हो कर देगी ना सूजी, तो मतलब ये हमारी रेडी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें हमारी खीर तैयार हो चुकी है फाइनली।